पाली से, पाली पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने सोजत सर्कल के सोजत रोड बगड़ी नगर सहित कई पुलिस थानों का औचित निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मौका था जब वह सोजत रोड बगड़ी नगर सहित कई स्थानों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार अगुवाई इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाली जिला मादक पदार्थ तस्करी व आवागमन का रास्ता है। पुलिस की समय बदल बदल कर की जाने वाली नाकेबंदी के कारण ही गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष तस्करी के मामले पकड़ने में अधिक सफलता हासिल हुई है। हमारा लगातार प्रयास है तस्करों के नेटवर्क का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जाए। सर, क्या उपलब्धियां है इस साल की आपकी? उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो यही कहेंगे कि जो भी आकर के और थाने की विजिट की है, आकस्मिक निरीक्षण थाने का किया है, साथ ही मुलाजमानों से बात की है, और जो इस वर्ष इन्होंने कार्य किया है पूरे उसका आकलन किया है, उसमें जो आईपीसी ऑफेंसेस हैं उस बारे में चर्चा की है, लोकल स्पेशल एक्ट में जो अच्छी कार्रवाइयाँ की गई हैं उस बारे में चर्चा की गई है, इनसे जो इंसदादी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए उस बारे में चर्चा की है, और आगे अच्छी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया है। सब जो नशे के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें जिले में कितनी कार्रवाई हुई इस वर्ष की उपलब्धियाँ में? इस वर्ष NDPS एक्ट में गत वर्ष के मुकाबले अधिक कार्रवाई है, साथ ही जहाँ तक NDPS की बात आती है, ये जिला है, ये ट्रांजिट रूट के अंतर्गत आता है जिसमें बेसिकली मेवाड़ से शुरू होकर के मारवाड़ तक जो ट्रांजिट है उस रूट में ज़िला पड़ता है, तो इसके लिए हम लोकेशंस बदल बदल के नाकाबंदी है या हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क को और सतर्क करके और साउंड करके इनकी धरपकड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस और लगातार प्रयास जारी हैं और आगे